दोस्तों देखिए शिफ्ट डिजायर है 2015 या 16 मॉडल है गाड़ी ये। इसमें हम देखिए एक नंबर गियर लगा रहे हैं, हैंड ब्रेक डाउन किए और गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, आगे जा रही है। देखिए गाड़ी आगे जा रही है, लेकिन अब हम इसमें लगाएंगे रिवर्स गियर। अब इसमें रिवर्स गियर देखिए, ये रिवर्स गियर लगा दिए और गाड़ी देखिए तो भी आगे जा रही है। देखिए देखिए आगे जा रही है गाड़ी, आगे जा रही है। इसमें अब हमको करना क्या होगा दोस्तों, रिवर्स गियर लगाने के बाद जो है ये गाड़ी आगे क्यों जा रही है, इसके लिए देखना पड़ेगा कि फॉल्ट क्या है गाड़ी में। देखिए दोस्तों ये बैटरी वायर निकाला जाएगा, बैटरी वायर निकालने के बाद इसको चेक किया जाएगा। बैटरी प्लेट निकालो, बैटरी प्लेट भी निकाला जाएगा, 10 नंबर बैटरी प्लेट भी लगभग देखिए खुल चुका है, निकल गया है। अब इसमें देखेंगे इसका जो जो गियर का है, एक वायर इधर है, दिखाना चाहेंगे आपको एक वायर। देखिए दोस्तों ये है, ये तो लगा हुआ है, परफेक्ट है। ये वायर जो एक अंदर से वायर लगा हुआ है, दिखाना चाहेंगे आपको। ये देखिए जो अंदर वाला वायर है, ये देखिए निकला हुआ है साइड वाला। इसके लिए इसमें जो है रिवर्स गियर नहीं लग रहा था, इसको लगा के हम चेक करेंगे। वापस लगा दिए हैं, अब फिट करो तो प्लेट इसका। ये फिटिंग हो रहा है, 10-4 नंबर बोल्ट, अरे सॉरी 4 बोल्ट लगे रहते हैं प्लेट में। बाबू कसो तो फटाफट, टाइट हो रहा है। उसके बाद बैटरी लगा के चेक किया जाएगा गाड़ी को, गियर ले रही है कि नहीं ले रही है, बोल्ट टाइट हो रहा है। बैटरी फिटिंग हो रही है, बैटरी फिटिंग होने के बाद जो है गाड़ी को स्टार्ट करके चेक किया जाएगा। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, गाड़ी स्टार्ट हो गई है। देखिए गाड़ी दिखाना चाहेंगे, स्टार्ट हो गई है। बाबू एक नंबर लगाओ, एक नंबर गियर लगाओ, चलो आगे लो। हाँ एक नंबर गियर लगा, गाड़ी आगे जा रही है। रिवर्स गियर लगाओ तो, अब देखिए रिवर्स गियर ऐसे ही, देखिए हॉर्न बज रहा है, रिवर्स गियर लग गया, इसका मतलब अब ठीक है, रिवर्स गियर लग रहा है। ठीक है दोस्तों सही हो गया, गाड़ी ओके हो गई।